Hello students. So in the series of peritoneum lecture, today we are discussing the greater omentum and lesser omentum. ठीक है? So what do you mean by omentum? सबसे पहली चीज ये है कि जब भी आप ये टर्म पढ़ेंगे omentum, इस टर्म पे बहुत बार आपको शॉर्ट नोट मिलता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, राइट शॉर्ट नोट ऑन omentum. ठीक है? So omentum क्या है? What is the omentum? So omenta are the peritoneal folds and they are in the connection of stomach. देखिए ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप इस वर्ड omentum को पढ़ेंगे, आपके दिमाग में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. We are talking about the connection of stomach. Peritoneal folds which are connecting the stomach with the other organs of peritoneal cavity. ठीक है? तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर यहां पे याद रखनी है कि जब भी आपके दिमाग में ये वर्ड omentum स्ट्राइक हो, पैरेलल में आपको कौन सा ऑर्गन स्ट्राइक होना चाहिए, दैट इज स्टमक. क्लियर? सो द ओमेंटा आर द पेरिटोनियल फोल्ड विच कनेक्ट द स्टमक विद अदर एब्डोमिनल ऑर्गन्स एंड देर आर टू ओमेंटा विच आर एक्चुअली नेम्ड एज ए ओमेंटम. वन इज द ग्रेटर ओमेंटम, अनदर इज द लेसर ओमेंटम. ठीक है? तो बहुत सिंपल चीज है कि ओमेंटम क्या होता है. ओमेंटम एक पेरिटोनियल फोल्ड है जो एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक को दूसरे ऑर्गन्स के साथ कनेक्ट करता है. और ओमेंटम नाम के आपको दो फोल्ड मिलने वाले हैं, एक बड़ा फोल्ड है जिसको ग्रेटर ओमेंटम बोलेंगे, एक छोटा फोल्ड है जिसको लेसर ओमेंटम बोलेंगे. ठीक है? दूसरी चीज क्या है कि जो ग्रेटर ओमेंटम है ये डेवलप कहां से होता है और जो लेसर ओमेंटम है ये डेवलप कहां से होता है. तो ग्रेटर ओमेंटम जो है वो स्टमक के पीछे होगा तो डॉर्सल मेसेंट्री से डेवलप होता है, लेसर ओमेंटम आगे होता है तो वेंट्रल मेसेंट्री से डेवलप होता है. सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माय पेरिटोनियल फर्स्ट लेक्चर एंड नाउ वी विल डिस्कस इन सम डिटेल अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ ओमेंटम, कि ओमेंटम बनता कैसे. ठीक है? आपको ये पता होना इसलिए जरूरी है बिकॉज जब आप ग्रॉस पढ़ रहे हैं, जब आप एडल्ट फॉर्मेशन ऑफ ओमेंटम पढ़ रहे हैं, थोड़ा समझने में इजी हो जाता है. ठीक है? तो ये क्या कह रहा है कि इन अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, जब हम इंट्रा एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात कर रहे हैं, उस टाइम जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है ये ट्रेवर्स करती है, यानी ये पास होती है थ्रू द फ्यूचर सीलोमिक कैविटी. ठीक है? और ये इनिशियली कैसे होती है, स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में होती है, यानी ये एक ट्यूब है और ये ट्यूब पास हो रही है किसके थ्रू, एक सीलोमिक कैविटी के थ्रू. ठीक है? तो ये हमने सीलोमिक कैविटी बना दी. इस कैविटी के बीच में क्या है, हमारा डेवलपिंग गट. ठीक है? अब ये जो गट है इट इज सस्पेंडेड बाय वेंट्रल एंड डॉर्सल मेसेंट्री इन मिड लाइन. तो इस मेसेंट्री के, इस गट ट्यूब के आगे और इस गट ट्यूब के पीछे दोनों साइड हमें क्या दिखने चाहिए, पेरिटोनियल फोल्ड्स दिखने चाहिए. ठीक है? और ये जो पेरिटोनियल फोल्ड है वो इसको इस तरह से एनक्लोज करके रखते हैं. तो ये जो पीछे वाला फोल्ड हुआ ये क्या कहला दिया, डॉर्सल मेसेंट्री, और जो आगे वाला फोल्ड हुआ इसको नाम दे दिया हमने वेंट्रल मेसेंट्री. ठीक है? और ये स्ट्रक्चर कहां है, मिड लाइन में है. दिस इज योर मिड लाइन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो. इतनी सी बात है जो हमें समझनी है. अब क्या होगा, देखिए समझे कि ये मेरा बॉडी का मिड लाइन है ना, और इसके बीच में, बॉडी के बीच में एक ट्यूब डेवलप हो रहा है. अब ये जो ट्यूब है जो अभी सजाइटल प्लेन में है उसका ये सरफेस क्या कहलाया, राइट, ये सरफेस क्या कहलाया, लेफ्ट. अब सपोज करो कि ये स्टमक है. ठीक है? तो अगर ये स्टमक है तो इसका एंटीरियर बॉर्डर को मैंने नाम दे दिया लेसर कर्वेचर, पोस्टीरियर बॉर्डर को नाम दे दिया ग्रेटर कर्वेचर. ठीक है? अब क्या होगा, अब होगा रोटेशन. अब ये रोटेशन आपको पता है कि हमारा लेसर कर्वेचर किधर होता है, राइट साइड में होता है. तो ये कैसे घुमा दिया मैंने, 90 डिग्री टू द राइट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस. ठीक है? देखो मैं इसको ऐसे भी घुमा सकता था, अगर इसको मैंने लेफ्ट घुमा दिया तो ये क्या हो गया, एनोमली हो गई, एबनॉर्मल रोटेशन कहलाया. लेकिन इसको हमने वर्टिकल एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री राइट साइड में घुमा दिया, ये नॉर्मल एनाटॉमी हुई. तो जब नॉर्मल एनाटॉमी में हम लेसर कर्वेचर को किधर पढ़ते हैं, राइट साइड में पढ़ते हैं. तो क्या हुआ, द एम्ब्रियोनिक स्टमक रोटेट्स 90 डिग्री टू इट्स लॉन्ग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस टू द राइट साइड. इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आपका जो स्टमक है वो किधर घूम गया, 90 डिग्री से राइट साइड में घूम गया. तो आपका लेसर कर्वेचर किधर आ गया, राइट साइड में. ग्रेटर कर्वेचर किधर चला गया, लेफ्ट साइड में. सो द एंटीरियर बॉर्डर बिकम द राइट एंड पोस्टीरियर बॉर्डर बिकम द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ योर
डेवलपिंग गट ट्यूब, ठीक है। सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पहले आपको ये समझ लेना है, ठीक है। यहां पे ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, इस डायग्राम में भी आप सेम चीजें देख पा रहे हो कि ये हमारा सेंटर में क्या है, गट ट्यूब है। इस गट ट्यूब के आगे ये क्या है, वेंट्रल मेसेंट्री, पीछे ये क्या है, डॉर्सल मेसेंट्री। लेकिन देखो वेंट्रल मेसेंट्री में एक चीज है जो हमें याद रखनी है, क्या कि वेंट्रल मेसेंट्री पूरे लेंथ में नहीं होती है। वेंट्रल मेसेंट्री इज नॉट प्रेजेंट इन द होल लेंथ ऑफ द ट्यूब ऑन एंटीरियर एस्पेक्ट। एंटीरियर एस्पेक्ट में आप ये जो देख रहे हैं ये सिर्फ कहां तक प्रेजेंट है, ये पोर्शन है फॉरगट और मिडगट के जंक्शन पे, यानी मिडगट के आगे और हाइंड गट के आगे वेंट्रल मेसेंट्री नहीं होती, लेकिन डॉर्सल मेसेंट्री पूरी लेंथ में हमें मिलती है। एक चीज यह है जो आपको याद रख लेनी है, ठीक है। इसका फायदा यह होगा कि जब हम आगे कोई भी पेरिटोनियल फोल्ड पढ़ेंगे तो आपको मिडगट और हाइंड गट के जो डेरिवेटिव्स हैं उनके आगे किसी भी पेरिटोनियल लिगामेंट को याद नहीं रखना। क्यों याद नहीं रखना, क्योंकि यह है ही नहीं तो बनाएंगे नहीं, क्लियर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो मेजर पोर्शन होता है वेंट्रल मेसेंट्री का, ये मेजर पोर्शन वेंट्रल मेसेंट्री का एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। क्यों एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि एंट्री एब्डोमेन वॉल बनने लगती है और वहां पे आगे लीवर डेवलप होता है। तो फिर हुआ क्या कि जो डेवलपिंग लीवर है उस डेवलपिंग लीवर ने इस एंटीरियर वेंट्रल मेसेंट्री को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज करो कि मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट रहा हूं, तो ये आपका एंटीरियर एब्डोमेन वॉल है, ये मैंने सर्कमफ्रेंस बना दिया एब्डोमेन वॉल का, बीच में मैंने क्या बना दी, ये गट ट्यूब बना दी, ठीक है। अभी हमने देखा कि इस गट ट्यूब के आगे और इसके पीछे ये क्या बना दी हमने, पेरिटोनियल फोल्ड, ठीक है। ये आगे वाला क्या कहलाया, वेंट्रल मेसेंट्री, ये पीछे वाला क्या कहलाया, डॉर्सल मेसेंट्री। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब क्या किया कि हमने लीवर को डेवलप कर दिया, लीवर जब डेवलप हुआ तो यहां पे वेंट्रल मेसेंट्री में लीवर डेवलप हो गया। ये जो डेवलपिंग लीवर है इसने इस वेंट्रल सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मोर वेंट्रल सेगमेंट और इसके पीछे वाला डॉर्सल सेगमेंट। ये दोनों सेगमेंट किसके पार्ट है, वेंट्रल मेसेंट्री के, ठीक है। तो लीवर और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के बीच में जो कनेक्शन होंगे वो यहां डेवलप होंगे, और लीवर और स्टमक के बीच में जो कनेक्शन डेवलप होंगे वो यहां डेवलप होंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट ये सारे कनेक्शन डेरिवेटिव्स किसके कहलाएंगे, वेंट्रल मेसेंट्री के, ठीक है। सो द पोर्शन विच एक्सटेंडिंग फ्रॉम द फिशर ऑफ लिगामेंटम वीनोजम। अब ये क्या होता है, फिशर ऑफ लिगामेंटम वीनोजम, देखिए ये जो आपका लीवर है इस लीवर की इंफीरियर सरफेस पे हमको मिलता है फिशर ऑफ लिगामेंटम वीनोजम एंड पोर्टा हिपेटिस। ये जो दो पॉइंट हैं, ये दो पॉइंट हैं लीवर के, और ये कनेक्ट किसको करेगा, टू द प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम एंड लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक, एंड दैट पार्ट इज नोन एज लेसर ओमेंटम। यानी लेसर ओमेंटम कहां बना, यहां बना, इस पॉइंट पे बना। पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेसर ओमेंटम की पोजिशन क्या है। सो वॉट इज द पोजिशन ऑफ लेसर ओमेंटम, लेसर ओमेंटम लाइज बिटवीन लीवर एंड स्टमक, ठीक है। पहली चीज ये समझ में आ गई। दूसरी चीज कि डेवलप किससे हो रहा है, डेवलप हो रहा है वेंट्रल मेसेंट्री से। किससे डेवलप हो रहा है, वेंट्रल मेसेंट्री से। और वेंट्रल मेसेंट्री कहां है, एंटीरियर पार्ट में, किसके एंटीरियर पार्ट में, सिर्फ फोरगट के, ठीक है। दूसरी चीज कि लीवर का कौन सा पार्ट, ठीक है। हमने देखा था कि जब भी हम सॉलिड ऑर्गन्स के बाहर विसरल पेरिटोनियम की बात करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कैप्सूल की, ठीक है। तो जो लीवर का कैप्सूल है उसके साथ आपका विसरल पेरिटोनियम चिपक जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे जाके, किस पॉइंट पे जाके, फिशर फॉर लिगामेंटम वीनोजम एंड पोर्टा हिपेटिस, वो रिफ्लेक्ट करता है किधर, टुवर्ड्स द स्टमक, क्लियर। और स्टमक के साथ साथ ये वाला पार्ट बनाता है ड्यूडिनम, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम पे भी वो आके अटैच हो जाता है। तो दैट विल सी इन द कमिंग स्लाइड्स। देन दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि जो राइट बॉर्डर है लेसर ओमेंटम का, ठीक है, यानी इस पोर्शन का, जब हम इसको देखेंगे आफ्टर फोल्डिंग, तो इसका जो राइट बॉर्डर बनेगा वो राइट बॉर्डर क्या बनाता है, एक फोरामेन ऑफ विंस्लो होती है, उसकी एंटीरियर मार्जिन बनाता है, ठीक है। तो इस स्लाइड से बेसिकली आपको सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि लेसर ओमेंटम क्या चीज है और ये कहां होती है, ठीक है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट इज कि व्हाट इज द डॉर्सल मेसेंट्री। देखिए डॉर्सल मेसेंट्री अभी हमने देखा कि कहां डेवलप हुई थी,
ये आपके स्टमक के पीछे डेवलप हुई थी, ठीक है। अगर हम यहां पे वापस से एब्डोमिनल कैविटी का कट सेक्शन बनाएं और ये डेवलपिंग स्टमक है, तो ये जो आपकी मीजेंट्री है ये कहां है? पोस्टीरियरली है, ठीक है। इस पोस्टीरियरली डॉर्सल मीजेंट्री में क्या हो रहा है? देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन ऑर्गन इज नोन एज स्प्लीन। तो इसके अंदर डेवलप हो गया स्प्लीन, ठीक है। अब इस स्प्लीन ने भी इस डॉर्सल मीजेंट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे हमने देखा आगे लीवर था, लीवर ने दो पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे ही स्प्लीन इसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वेंट्रल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजेंट्री कहलाया, ये डॉर्सल पार्ट ऑफ डॉर्सल मीजेंट्री कहलाया, ठीक है। सो द डॉर्सल मीजेंट्री ऑल्सो डिवाइडेड बाय डेवलपिंग स्प्लीन, ठीक है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जाता है कि वेंट्रल मीजेंट्री कौन से ऑर्गन से डिवाइड होती है? आंसर इज लीवर। डॉर्सल मीजेंट्री कौन से ऑर्गन से डिवाइड होती है? आंसर इज स्प्लीन, ठीक है। अब क्या हुआ? दैट एम्ब्रियोनिक डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम ग्रोज डाउनवर्ड्स फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक। हम ये बात कर रहे हैं किस पार्ट की? इस वेंट्रल पार्ट की, कि जब रोटेशन होगा, जो अभी हमने देखा कि जो मिडलाइन डेवलपिंग स्टमक था वो जब राइट साइड में घूमेगा, तो इसका ये जो पीछे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये ग्रेटर कर्वेचर से चिपका हुआ है। तो हमारा जो स्टमक है वो वर्टिकल तो होता है, लेकिन साथ में इट विल बिकम ऑब्लिक। तो जब ये ऑब्लिगिटी लेता है, तो इसका जो पोर्शन पीछे है, जो डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम का पार्ट है, वो इसके नीचे की तरफ हैंग हो जाता है, ठीक है। और ये जो हैंग हो गया पार्ट, ये क्या कहलाया? ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। तो हमने दो ओमेंटम पढ़े अभी, लेसर ओमेंटम पढ़ा, ग्रेटर ओमेंटम पढ़ा। लेसर ओमेंटम कहां हुआ? एंटीरियरली, एंटीरियरली मतलब लेसर कर्वेचर और लीवर के बीच में। ग्रेटर ओमेंटम कहां हुआ? पोस्टीरियरली, पोस्टीरियरली मतलब बिलो द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, ठीक है। सो इट गोज बिलो द स्टमक। Now this dorsal mesogastrium also form other connections of the stomach like gastrophrenic. Gastro मतलब stomach, phrenic मतलब diaphragm. So ये जो part है, ये part नीचे गया, साथ में इसका जो cranial portion है जो ऊपर की तरफ जाएगा वो क्या बनाएगा? Gastrophrenic ligament. Gastrosplenic, that means between the stomach and spleen, and स्प्लीनो रीनल लिगामेंट। देखिए स्प्लीनो रीनल लिगामेंट का मतलब हुआ कि यहां पोस्टीरियर वॉल में ना रेट्रोपेरिटोनियली एक ऑर्गन डेवलप हो रहा है, सबसे पीछे रेट्रोपेरिटोनियली। ये ऑर्गन क्या है? किडनी। ये क्या है? किडनी। तो ये कनेक्शन स्प्लीन और किडनी के बीच का है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या कहलाया? स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, क्लियर। तो यहां पे जब आप डॉर्सल मीजेंट्री पढ़ रहे हो, तो डॉर्सल मीजेंट्री के चार नाम हम पढ़ रहे हैं। डॉर्सल मीजेंट्री से डेवलप होती है ग्रेटर ओमेंटम, डॉर्सल मीजेंट्री से डेवलप होता है आपका गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, यू हैव द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट एंड स्प्लीनो रीनल लिगामेंट, ठीक है। तो ये चार नाम किससे रिलेटेड है? डॉर्सल मीजेंट्री से। नाउ इन नटशेल व्हेन यू विल सी दिस क्लासिफिकेशन, दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास क्या है? मीजेंट्री है, किसकी? फोरगट की। उसके दो पार्ट है, वेंट्रल एंड डॉर्सल, ठीक है। जो वेंट्रल पार्ट है उससे वेंट्रल पार्ट का जो वेंट्रल पोर्शन है और वेंट्रल पार्ट का जो डॉर्सल पोर्शन है, इनके बीच में कौन सा ऑर्गन डेवलप हुआ? लीवर, ठीक है। तो वेंट्रल पार्ट का वेंट्रल पोर्शन लीवर को किससे कनेक्ट करेगा? एंट्री एब्डोमिनल वॉल से। तो वहां पे आपको मिलेंगे लिगामेंट्स ऑफ लीवर लाइक फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, कोरोनरी लिगामेंट। एंड जो डॉर्सल पार्ट है वो लीवर को किससे कनेक्ट करेगा? स्टमक से। तो यहां पे आपको मिलेगा लेसर ओमेंटम, ठीक है। यहां पे जब आप डॉर्सल मीजेंट्री देख रहे हो, यानी आप फोरगट के पीछे की बात कर रहे हो, इसके अंदर हमने देखा यू हैव द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, यू हैव द गैस्ट्रोस्प्लेनिक, स्प्लीनो रीनल एंड ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी टू रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ योर एम्ब्रियोलॉजी, क्लियर। नाउ What do you mean by greater momentum? Greater momentum पे अगर कोई आपसे short note लिखवाता है या आप पढ़ रहे हो, तो कौन कौन से important facts हैं जो हमें जानने जरूरी हैं? कि greater momentum is a large fold of the peritoneum which hang down from the greater curvature of stomach. पहली लाइन यहां से शुरू होती है कि अगर मैं adult की बात कर रहा हूं, now we are talking about the adult, we are not talking about the embryonic life. तो अगर हम डिसेक्शन करेंगे और मिडलाइन इंसिजन देके एब्डोमिनल कैविटी खोलेंगे, तो इमीडिएटली यू विल ओपन द एब्डोमिनल कैविटी,
from the greater curvature of the stomach, you are able to see a very long fold, and that fold is visible, and this is nothing but other than your greater omentum. ठीक है, तो greater omentum हमें कहाँ मिलता है? Greater omentum हमें मिलता है greater curvature of stomach के नीचे, और ये किस तरह से लटका हुआ है? जैसे कि कोई curtain लटका हुआ हो. ठीक है, so you will have this like an apron or a curtain and it covers the loops of intestine to a varying extent. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको उठाऊंगा, when you will do the dissection, जब आपने intestinal wall खोला, आपको सामने stomach नजर आया और उसके नीचे क्या नजर आया? बहुत बड़ा एक कर्टेन नजर आया. इस कर्टेन को अगर आपने उठा दिया तो इसके पीछे क्या मिलेगा? इसके पीछे मिलेंगे हमें इंटेस्टिनल लूप्स. क्लियर? सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर. इवन दो व्हेन यू आर डिसेक्टिंग द बॉडी यू विल रियलाइज कि जब हम एंट्रियोडोनल वॉल को काट के खोलते हैं तो हमें इंटेस्टाइन नजर नहीं आती है. क्यों नजर नहीं आती है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बीच में आ जाती है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ फोर लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम. नाउ ये क्वेश्चन अगेन बिकम द क्वेश्चन ऑफ योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कि ग्रेटर ओमेंटम में लेयर कितनी होती है. कारण यह है कि हम जब भी पेरिटोनियल फोल्ड्स की बात करते हैं हम हमेशा दो लेयर की बात करते हैं कि पेरिटोनियम हर ऑर्गन को आगे और पीछे से कवर करके उसके मार्जिन पे जाके दो लेयर बनाती है. लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं चार लेयर्स की. ठीक है, ये चार लेयर्स कैसे बनती हैं? दैट विल डिस्कस इन द कमिंग डायग्राम. बट यहां पे क्वेश्चन ये हो गया कि ग्रेटर ओमेंटम में कितनी लेयर होती है. आंसर इज फोर लेयर्स होती हैं. सो इट इज ए फोर लेयर ऑफ पेरिटोनियम विच ऑल आर फ्यूज टूगेदर टू फॉर्म ए फेनेस्ट्रेटेड मेम्ब्रेन कंटेनिंग द वेरियस क्वांटिटी ऑफ फैट एंड स्मॉल आर्टरीज एंड वेन्स. ठीक है, सो ये जो हमने फंक्शंस ऑफ पेरिटोनियम जो पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि पेरिटोनियम इज ए एरिया वेयर यू हैव वेरी डेंसली और हैवी माइक्रोवेस्कुलेचर. वो माइक्रोवेस्कुलेचर क्यों होता है? बिकॉज ये जो फोर्स है इनके बीच में हमारे पास बहुत सारी छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं एंड साथ में बहुत सारे लिम्फेटिक्स होते हैं. इसी वजह से हमने देखा कि यहां पे हम जब पेरिटोनियल डायलिसिस की बात करते हैं वो डायलिसिस इसीलिए पॉसिबल है बिकॉज द पेरिटोनियम इज हैविंग वेरी हाई वेस्कुलेचर. ठीक है, सो ये तो बात हो गई ग्रेटर ओमेंटम की. सो व्हेन यू विल सी द अटैचमेंट ऑफ योर ग्रेटर ओमेंटम यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एंटीरियर टू लेयर्स डिसेंड फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक टू ए वेरिएबल एक्सटेंड अप टू द पेल्विस. ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब आप ग्रेटर ओमेंटम को पढ़ेंगे तो ये जो ग्रेटर ओमेंटम है ये ग्रेटर ओमेंटम लोअर एंड कहां तक जाता है? इट इज गोइंग डीप इन टू द पेल्विस. ठीक है, पेल्विस में आप पेरिटोनियल स्पेसेस देखते हो एंड दैट विल गो डीप इन टू दोज स्पेसेस. ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि इट फोर्स अपॉन देमसेल्फ टू फॉर्म द पोस्टीरियर टू लेयर्स विच असेंड टू द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियास. ठीक है, मतलब ये हुआ कि जब आप इस ग्रेटर ओमेंटम को देख रहे हैं तो इसमें एंटीरियरली कितनी लेयर हैं? दो. और वो नीचे जाके वापस आ गई तो कितनी बन गई? फोर. तो यहां पे आप इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि ये आपका क्या है, दिस इज योवर ग्रेटर कर्वेचर. इस ग्रेटर कर्वेचर से कितनी दो लेयर स्टार्ट हुई और ये जो दो लेयर हैं ये दो लेयर नीचे गई पेल्विस तक गई और वापस आ गई और वापस आके पीछे की तरफ चली गई. ठीक है, ये दोनों लेयर वापस ग्रेटर कर्वेचर से आके नहीं फ्यूज होती हैं, ये पोस्टीरियरली चली जाती हैं. लेकिन नीचे के इस पोर्शन में आप जब इस पूरे चारों लेयर्स की थिकनेस देखोगे जिसको हम ग्रेटर ओमेंटम नाम दे रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे ये चीज समझना जरूरी है कि आप जब अटैचमेंट पढ़ रहे हो तो स्टमक पे कितनी लेयर स्टार्ट होंगी? दो लेयर स्टार्ट होंगी. वो कहां तक जाएंगी? पेल्विस तक जाएंगी और वो ही दो लेयर पीछे की तरफ आ जाती हैं. ठीक है, तो इन द फोल्डिंग ऑफ ओमेंटम द फोल्डिंग पैटर्न इन सच ए वे दैट द फर्स्ट लेयर बिकम द फोर्थ एंड द सेकंड लेयर बिकम द थर्ड लेयर. फर्स्ट क्या बनाएगी? फोर्थ. सेकंड क्या बनाएगी? थर्ड. कैसे बनाएगी? वो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है. ये डायग्राम बीडी चौरसिया से है. इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है ये ब्लू कलर की लाइन नीचे जा रही है. कहां तक जा रही है? पेल्विस में जा रही है. ये ब्लू कलर की लाइन वापस रिफ्लेक्ट होके अपने आप ऊपर आ रही है और ये आके किससे मिल गई? ट्रांसवर्स कोलोन से मिल गई और एज आई एज कहां तक गई? पैंक्रियास तक गई. तो ये फर्स्ट लेयर ने क्या बना दिया? फोर्थ लेयर बना दिया. इन द सेम वे ये अंदर वाली लाइन है, ये अंदर वाली लाइन क्या है? सेकंड लेयर. ये लाइन नीचे गई और यही लाइन वापस से रिफ्लेक्ट होके ऊपर आ गई.
तो ये सेकंड लेयर ने क्या बना दिया, थर्ड लेयर, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट थी इसने बना दिया फोर्थ, और जो सेकंड थी इसने क्या बना दिया थर्ड। सो यू हैव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इन चारों को हमने एक साथ क्या नाम दे दिया, ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। इन इट्स अपर पार्ट द फोर्थ लेयर फ्यूज विद द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ट्रांसवर्स कोलोन एंड विद द ट्रांसवर्स मीजो कोलोन। ये किस किस के साथ फ्यूज होने वाला है, ट्रांसवर्स कोलोन एंड ट्रांसवर्स मीजो कोलोन के साथ। कौन फ्यूज होने वाला है, फोर्थ लेयर, कौन फ्यूज होने वाला है, फोर्थ लेयर। और उस टाइम हम उसको क्या नाम दे देंगे, गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, ठीक है। सो वो आप इन दोनों डायग्राम में देखिए, देखिए ये दोनों डायग्राम बीडी चौरसिया में दिए हुए हैं, एंड देर इज सम कंफ्यूजन, बट वो कंफ्यूजन नहीं है, एक्चुअली ये दिखाया गया है आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये आपकी फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर स्टमक को कवर कर रही है, कवर करने के बाद ये नीचे गई, नीचे जाने के बाद यू विल सी दैट इट विल गो डाउनवर्ड एज मच एज पॉसिबल इन द पेल्विस, देन इसने राउंड मारा, राउंड मार के ये पीछे गई, पीछे गई कहां तक गई, पोस्टर एब्डोमेन वॉल में टिल द पैंक्रियाज, इसकी एंटीरियर बॉर्डर से नीचे आई, नीचे आने के बाद इसने किसको कवर किया, ट्रांसवर्स कोलोन को, और ट्रांसवर्स कोलोन को कवर करने के बाद इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमन। यहां पे आपको दिख रहा है क्लियर कट गैप, ये जो गैप दिख रहा है ये गैप एक एडल्ट पर्सन में नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो फोर्थ लेयर होती है ये फोर्थ लेयर फ्यूज हो जाती है, किसके साथ फ्यूज हो जाती है, एंटीरियर सरफेस ऑफ कोलोन एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ मीजो कोलोन, ठीक है। मीजो कोलोन का मतलब हो गया ये दो लेयर्स जिसके हेल्प से आपका ट्रांसवर्स कोलोन एब्डोमिनल कैविटी में सस्पेंड कर रहा है, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या कहलाया, ट्रांसवर्स मीजो कोलोन। तो अगले स्टेज में क्या होगा कि ये सारा पोर्शन आपस में चिपक जाएगा, ठीक है, और आपको ये जो लेयर है ये ऐसे पीछे जाती हुई नजर आएगी, ठीक है। यही चीज इस डायग्राम में दिखाई हुई है, अगर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं तो ये जो फोर्थ लेयर है, ये फोर्थ लेयर आपको इसके पीछे जाती हुई नजर आ रही है, जबकि यहां पे इस डायग्राम में हमने देखा कि ऐसा नहीं है, इस डायग्राम में ऐसा नहीं है, ये फोर्थ लेयर इस कोलोन को कवर करके पीछे जा रही है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, बिकॉज ये सारा पार्ट फ्यूज हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन दीज टू डायग्राम्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड, कि जब भी हम ट्रांसवर्स मीजो कोलोन की बात करेंगे, इस ट्रांसवर्स मीजो कोलोन में इसीलिए हम क्या बात कर रहे हैं कि इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ फोर्थ लेयर ऑफ योर ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पे एक बेसिक कंसेप्ट जो हमारे सामने आया कि दो लेयर थी, ये जो दो लेयर नीचे गई ये पेल्विस तक गई और वापस आई, इसमें से जो थर्ड लेयर है ये थर्ड लेयर अभी बहुत ऊपर जाएगी और वापस इस सेकंड लेयर के साथ मर्ज हो जाती है, तो सेकंड और थर्ड लेयर के बीच में एक कैविटी जनरेट हो जाती है। लेकिन जो फोर्थ लेयर है वो पोस्टीरियरली कैसे खत्म होती है, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे खत्म होती है कि कोलोन और ट्रांसवर्स मीजो कोलोन के साथ फ्यूज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए जब हम डिसेक्शन करते हैं तो जब आप एंट्री एब्डोमेन वॉल को खोलोगे तो खोलने के बाद आपको स्टमक दिखेगा, स्टमक के नीचे क्या दिखेगा, ग्रेटर मोमेंटम, ठीक है। लेकिन जब आप ग्रेटर मोमेंटम को लिफ्ट करते हो तो ऊपर की सरफेस पे साथ में ट्रांसवर्स कोलोन भी लिफ्ट हो जाती है। ट्रांसवर्स कोलोन क्यों लिफ्ट हो जाती है, बिकॉज नाउ यू कैन सी दैट बिकॉज ऑफ दिस फ्यूजन ट्रांसवर्स कोलोन इज बिकम द पार्ट, और यू कैन से इट इज फ्यूज विद दिस ग्रेटर मोमेंटम। तो जब आप ग्रेटर मोमेंटम को उठाते हो, इस तरह से लिफ्ट करते हो, तो आपका ये ट्रांसवर्स कोलोन भी साथ में लिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और हम इस कनेक्शन को क्या बोल देते हैं, इस कनेक्शन को हम बोल देते हैं गैस्ट्रोकोलिक लिगामेंट, क्लियर। सो द पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी कॉल्ड द लेसर सैक। अब कौन सा पार्ट लेसर सैक कहलाया, लेसर सैक वो वाला पार्ट कहलाया जो कि सेकंड और थर्ड लेयर के बीच में था। ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर, ठीक है। फर्स्ट लेयर कहां थी, फर्स्ट लेयर स्टमक के आगे थी, जिसने क्या बनाया था, फोर्थ लेयर बनाया था। ये आपका स्टमक था, क्लियर। स्टमक की लोअर बॉर्डर से हमने दो लेयर देखी, फर्स्ट एंड सेकंड। ये दोनों नीचे गई, नीचे जाने के बाद इन दोनों ने टर्न मारा, टर्न मारने के बाद ये फर्स्ट बन गई फोर्थ, सेकंड बन गई थर्ड, क्लियर। थर्ड ऊपर गई और सेकंड के साथ मर्ज हो गई। यहां पे ये जो गैप क्रिएट हुआ, इस गैप को नाम दिया हमने लेसर सैक, क्लियर। सैक मतलब स्पेस। और ये जो फोर्थ लेयर है, ये फोर्थ लेयर तो किसके साथ मर्ज हो गई, इट विल मर्ज विद द ट्रांसवर्स मीजो कोलोन,
ठीक है. सो द पार्ट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी कॉल्ड लेसर सैक विच इज प्रेजेंट बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड लेयर एंड दिस एक्चुअली लेसर सैक इज ऑब्लिट्रेटेड. ये जो गैप है ना, ये गैप ऑब्लिट्रेटेड रहता है, यानी जब आप डिसेक्शन करोगे तो आपको ये चारों लेयर चिपकी हुई मिलेगी एंड इट लुक्स लाइक ए सिंगल लेयर, बट ये सिंगल नहीं है, दे आर फोर इन नंबर. क्लियर? सो द ग्रेटर मोमेंटम लाइज बिटवीन द एंटीरियर एब्डोमेन वॉल एंड होलो विसरा. मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्रेटर मोमेंटम है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है इंटेस्टिनल लूप्स. यहां पे ये क्या है? इंटेस्टिनल लूप्स. और आगे क्या है? एंटीरियर एब्डोमेन वॉल. क्लियर? तो एंटीरियर एब्डोमेन वॉल और इंटेस्टिनल लूप्स के बीच में क्या आ गई? ग्रेटर मोमेंटम. ठीक है, यानी अगर मैं डिसेक्शन करूंगा तो मैं पहले क्या हटाऊंगा? एंटीरियर एब्डोमेन वॉल, फिर मेरे को लिफ्ट करना पड़ेगा इस ग्रेटर मोमेंटम को, फिर मैं पहुंच पाऊंगा आपके इंटेस्टिनल लूप्स तक. तो ये बात हमें याद रखनी है कि ग्रेटर मोमेंटम लाइज बिटवीन द एंटीरियर वॉल एंड होलो विसरा. इसका बहुत इंपॉर्टेंट अप्लाइड एस्पेक्ट है कि जब भी हम रेडिएशन की बात करते हैं, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जब हम देखते हैं, तो जो रेडिएशन थेरेपीज होती हैं उनके अंदर कई बार इंटेंशनली इन लूप्स को, इस ग्रेटर मोमेंटम के फोल्ड को उठा के इंटेस्टाइन के आके रखा जाता है, एंड इट विल प्रिवेंट द रेडिएशन हैजार्ड ऑफ द इंटेस्टाइन. क्लियर? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द कंटेंट्स? कंटेंट्स मतलब कि इसके अंदर हमें मिलेगा क्या. इसके अंदर मैंने बोला कि बहुत हैवी माइक्रोवेस्कुलेचर होता है. सो यू विल हैव द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरीज एंड बट ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट ऑफ द फैट. क्लियर? नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द मोमेंटम? द फंक्शंस ऑफ मोमेंटम आर एज लाइक एज द पेरिटोनियम, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ पेरिटोनियम इटसेल्फ. सो इट कंटेन्स द फैट, इट प्रिवेंट द पेरिटोनियल कैविटी फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यू टू मैक्रोफेजेस. ठीक है, एंड इट एक्ट एज ए पुलिसमैन ऑफ एब्डोमन. सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट व्हाई इट इज नोन एज पुलिसमैन ऑफ स्टमक, बिकॉज इट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन बाय पैचिंग द परफोरेशंस एज इट इज एडरेंट टू द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन. मतलब क्या हुआ कि इसके नीचे क्या है? इस ओमेंटम के नीचे क्या है? इंटेस्टाइनल लूप है. अब सपोज करो ये जो इंटेस्टाइन का लूप है, इसमें छेद हो गया, यहां पे परफोरेशन हो गया, एंड इस परफोरेशन की वजह से पेरिटोनाइटिस हो गई, यानी इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये जो आपका ग्रेटर मोमेंटम है, ये जाके इसके ऊपर चिपक जाएगा. क्यों चिपक जाएगा? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फिब्रिन. ये फिब्रिन रिलीज करते हैं. यू हैव द सब्सटेंसेज विच रिलीज द फिब्रिन, और ये जो फिब्रिन है ये इस पैच का काम करेगा और इस मोमेंटम को इस पंक्चर के ऊपर जाके चिपका देगा. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पुलिसमैन ऑफ एब्डोमन. क्लियर? Now, these are the two diagram. Now, इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो कि हमने क्या किया? हमने एंटीरियर एब्डोमेन वॉल को हटा दिया. एंटीरियर एब्डोमेन वॉल को जब हटा दिया, यानी हमने पैरेटल पेरिटोनियम तक डिसेक्शन कंप्लीट कर दिया. अब हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक, लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक. अभी भी हम इंटेस्टाइन नहीं देख पा रहे हैं, हमें स्मॉल इंटेस्टाइनल लूप्स नहीं दिख रहे हैं. क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि इंटेस्टाइनल लूप और एंटीरियर एब्डोमेन वॉल के बीच में क्या आ जाता है? ये बड़ा सा कर्टेन आ गया जिसका नाम है ग्रेटर मोमेंटम. और इस मोमेंटम में आप येलो येलो स्पॉट्स देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द फैट. और अगर हम इसको हटा के यहां से लिफ्ट करेंगे तो इसके पीछे हमें क्या नजर आने वाली है? इंटेस्टाइन. ठीक है, यहां पर यह जो गैप है, दिस इज द लोअर बॉर्डर ऑफ द लीवर, और वो है आपका लेसर कर्वेचर. तो ये जो लेसर कर्वेचर है, इसके आगे ये जो पोर्शन है, इसमें ये जो येलो कलर एरिया है, दिस इज योर लेसर ओमेंटम. तो यहां लेसर ओमेंटम है, यहां ग्रेटर ओमेंटम. इस डायग्राम में कहां पे है लेसर ओमेंटम? ये लेसर ओमेंटम है. कहां है ग्रेटर ओमेंटम? ये ग्रेटर ओमेंटम है. ठीक है, तो अगर आप इसको मिड लाइन में से काटेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजारा दिखेगा. इसमें क्या दिखेगा कि पीछे इंटेस्टिनल लूप्स होते हैं. इंटेस्टिनल लूप के आगे क्या होती है? इंटेस्टिनल लूप के आगे इस तरीके की कवरिंग है. इस कवरिंग का नाम क्या है? ग्रेटर ओमेंटम. ठीक है, तो यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्रेटर ओमेंटम हमें जब हम डिसेक्शन करते हैं तो सबसे पहली चीज नजर आती है आफ्टर रिमूविंग द एंटीरियर एब्डोमेन वॉल, जो कि ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक के नीचे एक कर्टेन की तरह लटका हुआ है. ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेसर ओमेंटम? सो इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम एंड फर्स्ट 2 सेंटीमीटर ऑफ द ड्यूडिनम टू विच ऑर्गन? लीवर. ठीक है, तो ये बात हमने अभी एम्ब्रियोलॉजी में समझी कि लीवर और स्टमक के बीच का जो कनेक्शन है उसको हम क्या नाम देंगे? लेसर ओमेंटम. दूसरी चीज क्या है कि बिकॉज ऑफ द कनेक्शन फ्रॉम
लीवर टू स्टमक एंड लीवर टू ड्यूडेनम हम दो कॉम्पोनेंट यूज में लेते हैं, हिपैटोगैस्ट्रिक एंड हिपैटोड्यूडेनल। लीवर और स्टमक के बीच में क्या हुआ? हिपैटोगैस्ट्रिक। लीवर और ड्यूडेनम के बीच में क्या हुआ? हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट। ठीक है, बिहाइंड द लेसर कर्वेचर देयर इज ए पार्ट ऑफ लेसर सैक। देखिए यहां पे है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इन दो वर्ड्स में। ठीक है, लेसर सैक का मतलब क्या होता है? लेसर सैक का मतलब हुआ पाउच, सैक मतलब पाउच। तो ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? दिस इज सैक। ठीक है, ये सैक किसके पीछे है? यहां पे है आपका स्टमक। ठीक है, ये है ग्रेटर ओमेंटम और ये ग्रेटर ओमेंटम गया पीछे और किसके साथ मर्ज हो गया? ट्रांसवर्स मेसोकोलन के साथ। इसके अंदर यहां पे ये क्या है? आपका स्टमक। ठीक है, यहां पे ये क्या है? आपका लीवर। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज योर फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर कहां से आ रही है? एब्डोमिनल वॉल से होती हुई, डायफ्राम से होती हुई, लीवर से होती हुई, इस तरह से नीचे जा रही है। क्लियर? तो ये जो एरिया बना ये क्या कहलाया? लेसर सैक। और ये जो डबल फोल्ड बना ये डबल फोल्ड क्या कहलाया? लेसर ओमेंटम। ठीक है, सो यहां पे ये चीज क्लियर, एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए कि लेसर ओमेंटम की जब भी हम बात करेंगे हम पेरिटोनियल फोल्ड की बात कर रहे हैं, और लेसर सैक की जब हम बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्पेस की बात कर रहे हैं। और इसका कुछ पार्ट किसके पीछे है? लेसर ओमेंटम। ये वाला पार्ट किसके अंदर आ गया? ग्रेटर ओमेंटम। ठीक है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि लेसर सैक एक्चुअली है कहां। तो लेसर सैक एक्चुअली ग्रेटर ओमेंटम के फोल्ड्स के बीच में है इन द लोअर पार्ट, बट इन द अपर पार्ट इट लाइज बिहाइंड द लेसर ओमेंटम एंड पार्ट ऑफ लीवर विद स्टमक। क्लियर? तो ये जो लेसर सैक है इट लाइज बिहाइंड द लेसर कर्वेचर, दिस इज ए पार्ट एंड इट इज नोन एज लेसर सैक। ठीक है, लेसर ओमेंटम के दो पार्ट हमने देखे, हिपैटोड्यूडिनल, ठीक है, एंड हिपैटोगैस्ट्रिक। इसका जो हिपैटोड्यूडिनल पार्ट है उसके पीछे हमें मिलता है फ्री मार्जिन, एंड दैट फ्री मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द ओनली कम्युनिकेशन बिटवीन दिस लेसर सैक एंड यहां पे जो बड़ा वाला सैक बनेगा, इसको नाम देंगे हम ग्रेटर सैक। तो ग्रेटर सैक और लेसर सैक के बीच में सिर्फ एक ही दरवाजा है, उसका नाम क्या है? फोरामेन ऑफ विंस्लो। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस राइट फ्री मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर मतलब ये जो हमारा लेसर ओमेंटम है इसकी दो लेयर्स के बीच में क्या क्या मिलता है? सो इसमें मिलती है राइट फ्री मार्जिन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, पोर्टल वेन, हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट। इसके अंदर क्या मिलती है? हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, बाइल डक्ट, साथ में लिम्फ नोड्स एंड प्लेक्सस ऑफ नर्व्स। अलोंग द लेसर कर्वेचर यानी स्टमक के पास में यहां पे क्या मिलेगा? यू विल हैव द राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, लिम्फ नोड्स एंड ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रिक नर्व। ठीक है, तो इसका स्टमक के पास वाला जो एरिया है लेसर ओमेंटम का, वहां पे आपको गैस्ट्रिक आर्टरीज मिलती है, और जो राइट फ्री मार्जिन है वहां पे आपको वेन आर्टरी डक्ट। कौन सी वेन? पोर्टल वेन। आर्टरी कौन सी? हिपैटिक आर्टरी। डक्ट कौन सी? बाइल डक्ट। ठीक है, नाउ ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देखिए कि यह है हमारा लेसर कर्वेचर, यह है आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, और यह आपका क्या है? दिस इज योर एरिया ऑफ पोर्टा हिपेटिस जो अभी हमें नहीं दिख रहा है, एंड है ना, सो ये आपका एल शेप अटैचमेंट है किस पे? लीवर पे। ठीक है, हमने दो एरिया पढ़े थे लीवर पे अटैचमेंट के, एक लिगामेंटम वीनोजम के लिए जो साइनस होता है और दूसरा पोर्टा हिपेटिस। तो यह एल शेप अटैचमेंट है। ठीक है, और ये आपका कहां गया? ये गया स्टमक पे, और ये स्टमक पे क्या है? लेसर कर्वेचर। ये येलो कलर का एरिया क्या कहलाया? लेसर ओमेंटम। ठीक है, इस लेसर ओमेंटम की ये राइट साइड है, तो ये जो राइट फ्री मार्जिन है, फ्री मार्जिन मतलब कि अगर मैं इसके पीछे उंगली डालूंगा, इफ आई विल पास माय फिंगर, तो मैं पीछे किस में पहुंच गया? लेसर सैक में। ठीक है, लेसर सैक अभी हमने देखा इसके पीछे है। ठीक है, तो दिस लेसर सैक इज ओपन फ्रॉम द राइट साइड। Why? Because of this free margin of lesser omentum. और इस free margin में क्या structure है? तीन major structure है, bile duct, portal vein and hepatic artery. ठीक है, और यहां पे lesser curvature के along दो arteries हैं, these are known as right and left gastric arteries. ठीक है, so ये important area है which is known as area और which is known as gastrohepatic ligament and this is known as हिपैटोड्यूडिनल लिगामेंट। ठीक है, यहां पे आप अगर हम इसको काट देंगे,
lesser momentum के attachment को, तो ये L आप देख पा रहे हो, ठीक है, which I told you, तो ये जो L होता है, L shape attachment, ये कहां से कहां तक है, this is for your around the porta hepatis and fissure for your ligamentum venosum, ठीक है. Now, what is the clinical anatomy of omentum? देखिए, omentum की clinical anatomy में आपने लिखा, it prevent the spread of infection, it is a storage of fat, ये तो सारे इसके function हैं, लेकिन जब हम clinically बात करते हैं, तो एक तो हो गया कि patch provide करता है, है ना, that is a natural function, कि अगर कहीं भी inflammation हो रहा है, तो it will go and work like a patch, जिससे spread नहीं होने देता, लेकिन surgically, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज नोन एज ओमेंटल ग्राफ्ट. मतलब क्या हुआ कि कई बार वी आर हैविंग सच कंडीशंस जहां पे हम बहुत बड़ा हिस्सा निकाल देते हैं, जैसे चेस्ट वॉल से निकाल देते हैं, या हम कई बार इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा लूप है जिसकी सर्जरी करते हैं, तो वहां पे हीलिंग को बहुत तेजी से ग्रो कराने के लिए, फास्ट हीलिंग कराने के लिए, उस एरिया को एडिशनल ब्लड सप्लाई देने के लिए क्या करते हैं, ओमेंटा जो होती है, हमारी जो ओमेंटम है, इसको हम मूव करते हैं, ठीक है, हम काट के हटा नहीं देते, हम इसको एक्चुअली एक्सटेंड कर देते हैं, एंड दैट इज नोन एज पेडिकल ग्राफ्ट, ठीक है. सो ग्रेटर ओमेंटम इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्रांचेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड द मोबिलाइजेशन ऑफ ओमेंटम फ्रॉम द ट्रांसवर्स कोलोन, ठीक है, हमें ट्रांसवर्स कोलोन के से जो इसका कनेक्शन है वो कट करना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप इस ओमेंटम को हटाओगे तो साथ साथ में ट्रांसवर्स कोलोन इंजर्ड हो जाएगा. सो फर्स्ट यू हैव टू रिमूव इट फ्रॉम द ट्रांसवर्स कोलोन एंड अलाउ द डेवलपमेंट ऑफ ए वेस्कुलराइज्ड ओमेंटम पेडिकल फ्लैप. पेडिकल फ्लैप का मतलब ये हुआ कि जो इसकी पेरेंटल ब्लड सप्लाई है वो हमें एज इट इज प्रिजर्व रखनी है, ठीक है, यानी जो आपका ये जो ग्रेटर कर्वेचर था, इस ग्रेटर कर्वेचर से ये ओमेंटम था, तो हमने क्या किया, इस ओमेंटम में जहां से ब्लड सप्लाई एंटर हो रही है, जहां से ब्लड सप्लाई एंटर हो रही है, उस पार्ट को सेव करते हुए इस तरह से इसको दोनों साइड से सेपरेट कर लिया, बट पूरा थ्रू एंड थ्रू कट नहीं किया. अगर आपने कंप्लीट कट कर दिया तो जो आर्टरीज इधर से आके इसमें एंटर हो रही होंगी वो आर्टरीज भी कट हो जाएंगी, फिर हमारा रोल खत्म हो गया फ्लैप बनाने का. हमें इस फ्लैप की जो वेस्कुलर सप्लाई है, जो इसके अंदर जिस पॉइंट से एंटर हो रही है, उन ब्लड सप्लाई के सोर्स को कट नहीं करना है, अदरवाइज ये वेस्कुलराइज फोल्ड नहीं कहलाएगा. पेडिकल का मतलब ये हुआ कि आपने इसका जो अटैचमेंट था वो नैरो कर दिया, ठीक है, और ये इसलिए क्या कहलाया, अब पेडिकल, वेस्कुलर पेडिकल कहलाया, ठीक है. और इस ग्राफ्ट को हमने यूज किया, कहां यूज किया, कवर द चेस्ट और मीडियास्टिनल वुंड्स, आप उसको मीडियास्टिनम या चेस्ट तक भी लेके जा सकते हो, बिकॉज अब ये फ्री हो गया, ठीक है, पीछे की तरफ था, वहां पे हमने इसका मोबिलाइजेशन कर दिया, और स्टमक से जो मेजर कनेक्शन था वो हमने कट कर दिया, सिर्फ जिन पॉइंट्स पे ब्लड वेसल्स अंदर जा रही हैं, उन पॉइंट्स को हमने प्रिजर्व रखा है. तो अब हम इस फोल्ड को यहां से उठा के चेस्ट वॉल में ले जाते हैं कई बार, इफ वी वॉन्ट टू डू द फास्ट हीलिंग ऑफ द वुंड्स ऑफ मीडियास्टिनम और ड्यूडिनल परफोरेशन, और इट कैन कवर द इंटेस्टाइन टू प्रिवेंट द रेडिएशन एंटराइटिस, ठीक है, यानी हम जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उनको भी इस फोल्ड से कवर करते हैं व्हेन द पेशेंट इज अंडर द रेडिएशन थेरेपी इन केस ऑफ कैंसर, ठीक है. सो इन नटशेल, जब आप इस पूरे पेरिटोनियम में ओमेंटा को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कि ग्रेटर ओमेंटम क्या होता है, लेसर ओमेंटम क्या होता है, ग्रेटर ओमेंटम की चार लेयर कैसे बनती है, लेसर ओमेंटम कहां है, ग्रेटर ओमेंटम कहां है. इन रेफरेंस टू द स्टमक वी आर यूजिंग द वर्ड ओमेंटम, इसलिए जब भी आप वर्ड ओमेंटम सुने हमें ध्यान रखना है कि हम किसके रिलेशन में बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टमक के रिलेशन में, ठीक है. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू.